हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इसमें मैं कूची और फेबर कासल का रिव्यू बताऊंगी। कूची राउंड पॉइंटेड ब्रश प्लस फेबर कासल पॉइंटेड ब्रश के बारे में आपको इसमें जानकारी दी जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये फेबर कासल का है और ये ज़्यादा मुझे पॉइंटेड नहीं दिख रहा है, और ये सिंथेटिक ब्रश है। सॉफ्ट काफ़ी है, बट इसमें जब मैं ट्राई करती हूँ पेंटिंग की तो इतने पॉइंटेड रिजल्ट नहीं आते फ्लोरल इलस्ट्रेशन में। और ये कूची का ब्रश है जिसे मैंने एक ट्राई किया, तो इसका जो रिज़ल्ट है वो मुझे बहुत काफ़ी अच्छा दिख रहा था। ये ब्रश मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा है। अमेज़ॉन से मुझे 288 का मिला है, प्लस इसका जो MRP है वो 700 है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड कि क्या रिज़ल्ट आएगा इसमें, और चेक करते हैं कि दोनों में से कौन सा बेटर है फॉर दी फ्लोरल इलस्ट्रेशन एंड फिलिंग दी डिटेल्स इन फ्लोरल इलस्ट्रेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, जो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी, इसकी ब्रिसल्स है, ये जो हेयर्स है ये बहुत काफ़ी पॉइंटेड है। तो लेट्स सी कि इसमें हम पेंटिंग के टाइम क्या डिफरेंस आता है। जब मैं इससे ब्रश पेंटिंग स्ट्रोक दिखाऊंगी मैं आपको, और इससे दिखाऊंगी इस वाले से, दोनों विल बी 8-8। लेट्स चेक इट आउट। ऊंची में आएंगे 0, 2, 4, 6, 8 एंड 10 एंड 12। और ब्रशेज आएंगे, और ये आप अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हैं। सो गाइस, मैं अब 8 नंबर ब्रश पॉइंटेड कूची का ले रही हूँ, और 8 नंबर ब्रश जो है मैं फेबर कासल का ले रही हूँ। हाँ, ये थोड़ा सा पुराना है, बट यू कैन सी दैट जो डिफरेंस है पॉइंटेड है, और इसकी जो बनावट भी है बहुत मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव सी लग रही है। और ये थोड़े सिंपल लाइक स्टूडेंट यूज़ करते हैं उस टाइप का है। तो लेट्स सी कि इन दोनों में क्या डिफरेंस आता है जब हम उस पर कलरिंग स्ट्रोक डालते हैं। आई एम यूजिंग वाटर कलर फॉर दिस। सो गाइस, मैं इसमें एक फ्लावर बनाने की ट्राई करूँगी जो पेपर कास्टल से मैं ट्राई कर रही हूँ। ठीक है, तो मैंने ये फ्लावर बनाया है पेपर कासल से ब्रश से। देखिए, मैं जब ट्राई कर रही हूँ तो मुझे खुद को इसको ड्रैग करके पॉइंटेड बनाना पड़ रहा है लीव्स को। नाउ लेट्स ट्राई विद कूची। तो गाइस, अब मैं कूची से ट्राई कर रही हूँ। देखिए, ये ऑलरेडी राउंड है तो मुझे इतना ट्राई नहीं करना पड़ेगा इस पे। इसको मैं इजीली ड्रैग कर पा रही हूँ। और इसके जो लीव्स के पॉइंट्स हैं वो बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं मुझे। So I'll preferably will try this brush for floral illustrations. I just loved it.
So guys, you can see the result. This is from Poochy pointed brush and this is from pointed brush from Faber-Castell. So you know how to choose this. कैसे आप चूज कर सकते हो ये ब्रश किस हिसाब से, जैसे जो आपकी पेंटिंग है, आप अगर आप फ्लोरल इलस्ट्रेशन ज़्यादा करते हो या फ्लोरल ड्राइंग्स या पेंटिंग्स ज़्यादा करते हो तो आप ये यूज़ करें। अगर आप नॉर्मल ड्राइंग्स करते हो लाइक फिलिंग समथिंग लाइक दैट तो अगर आप ये यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।